कहानी की शुरुआत में एना को दिखाते हैं जो नाइटी पहन के स्कूल में घूम रही थी। सभी डेस्कों में आग लगी हुई है और अचानक एना को एक भूत ने पकड़ लिया। उस भूत को देखकर एना को अपनी दोस्त किम की याद आ गई, वो भी बिना मेकअप के ऐसी लगती थी। फिर भूतों की पूरी बराती आ गई और जब एना को लगा कि वो मरने वाली है तभी उसकी आँख खुल गई। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं डेथ बेल। तो स्कूल में माहौल कुछ गर्म है क्योंकि ये सेमेस्टर का आखिरी हफ्ता है, यानी कि सबके ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर बना हुआ है। एना का तो उन बच्चों को देखकर और खून खोलता जो ट्रस्ट फंड वाले बच्चे थे, मतलब जिनके माँ बाप अमीर है वे लोग आसानी से पास हो जाते। खैर एना के कुछ अच्छे दोस्त भी थे जैसे कि यून और पार्क द प्रैंकस्टर। ये प्रैंक करता रहता था तो इसका नाम पार्क द प्रैंकस्टर ही पड़ गया। अब जी टीचर्स को दिखाते हैं जो बच्चों से भी ज्यादा थके हुए हैं, जैसे कि चोई मैडम, हुआंग सर और ली सर। फिर टेस्ट के दौरान बॉम नाम के लड़के को टेस्ट पेपर में एक अजीब से चेहरे वाली लड़की दिखी, वो उसे देख जोर से चिल्लाया और जब हुआंग सर ने देखा तो क्वेश्चन पेपर में मैथ के सवाल के अलावा कुछ नहीं था। तभी सर की नजर बॉम की कलाई पे गई जहां कुछ निशान पड़े हुए थे। हालांकि बॉम ने कहा कि निशान उसी लड़की ने बनाए हैं। फिर क्लास में अचानक से फनी सॉन्ग बजने लगा। टीचर नहीं चाहता था कि क्लास टेस्ट के वक्त डिस्टर्ब होए, इसलिए उन्होंने जल्दी पता लगा लिया कि इस प्रैंक के पीछे पार्क द प्रैंकस्टर है। सजा के तौर पर पार्क को वीकेंड पर भी स्कूल आना पड़ेगा और टीचर्स के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने टीचर्स की एक मीटिंग बुलवाई जहां उसने बताया कि बाहर से इंस्पेक्शन वाले आने वाले हैं, इसलिए अपनी अपनी क्लास में से पढ़ाकू बच्चों को छांटकर एक फेक क्लास बनाओ ताकि हमारे स्कूल का नाम पूरे शहर में फैल जाए। प्रिंसिपल साहब को नहीं पता कि उनका स्कूल शहर में ही नहीं बल्कि देश विदेश तक भी फेमस होने वाला है। इसके बाद बच्चों के टेस्ट स्कोर्स को स्क्रीन पर लगाया गया। टॉप 5 में से 3 तो अमीर घर के बच्चे ही थे और एना का नाम 5वें नंबर पर था। तभी बॉम को अचानक एना के सपनों वाली वो अजीब सी लड़की दिखने लगी और कुछ ही सेकंड बाद उसे वो लड़की एना के अंदर दिखने लगी, जिसके चलते उसने एना पर हमला कर दिया। दूसरे स्टूडेंट्स ने उसे तुरंत एना से अलग किया और फिर उसे पागल खाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई। जाने से पहले बॉम सब पर चिल्लाता रहा कि तुम सब जल्दी मारे जाओगे। रात में गार्ड को दिखाते हैं जिसे बिल्डिंग के पास से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने वहां जाके देखा तो उसे वहां पे बॉम मिला जो पागल खाने से भागकर वापस आ गया था। उसकी कलाइयां कटी हुई थी और वो लगातार अपने दाएं तरफ देख रहा था। जब गार्ड ने उस तरफ फ्लैशलाइट घुमाई तो बॉम को वहां एक कटी हुई बॉडी दिखी और वो बॉडी को देखते ही ऐसे भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो। अगले दिन टीचर हुआंग ने फेक क्लास का शुभारंभ कर दिया और इंस्पेक्शन वालों के आगे अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए हुआंग ने सबके फोन जमा करवा दिए और सॉन्ग को कहा कि इन सभी फोन्स को स्टाफ रूम में रखाओ। सर ने ध्यान दिया कि मिन अभी तक नहीं आई, फिर भी उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच सॉन्ग गाते हुए स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, वो भी किसी लड़की ने, और वो आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही थी। तो सॉन्ग भैया खुशी खुशी बाथरूम की तरफ जाने लगे, लेकिन बाथरूम में पहुंचते ही उसे किसी ने बाबू की जगह बाबूजी समझ लिया और उसके पैर छू लिए। हालांकि हर झुकने वाला बंदा पैर नहीं छूता, यही सॉन्ग के साथ भी हुआ। ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो गई। इधर मैडम चोई ने बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी स्टार्ट किया तभी उन्हें टीवी पर मिन दिखी जो कि एक बॉक्स में बंद थी और उस बॉक्स के बाहर मैथ की एक इक्वेशन लिखी हुई थी। मैडम चोई ने इसे सीरियसली ना लेते हुए एना को स्टाफ रूम में भेजा। स्टाफ रूम की तरफ जाते हुए एना ने ध्यान दिया कि स्कूल की हर स्क्रीन पर मिन की वीडियो चल रही है। स्टाफ रूम में पहुंच के उसे पता चला कि इंटरनेट तो बंद पड़ा है। तभी टीवी में से एक मिस्टीरियस आवाज आई। उस आवाज ने सबको बताया कि ये है उनका नया टेस्ट जिसमें उन्हें दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर वे प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकाम रहे तो एक एक करके सब बच्चे मारे जाएंगे और अगर किसी ने भी कैंपस से भागने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, सही जवाब दो। इस वक्त बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी कंफ्यूज थे क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि टीचर्स का भी था। सारी फोन लाइन्स भी कट चुकी थी और किसी के पास अपना फ़ोन भी नहीं था। इसी बीच टीचर ने गार्ड को बाहर नज़र रखने के लिए कहा और फिर टीचर बाकी स्टूडेंट्स के पास आ गए। ग्लास कंटेनर को भरता देख सब लोग चिल्ला रहे थे। ली को लगा कि ये फिर से पार्क का कोई प्रैंक है, उसने पार्क के गाल लाल कर दिए। तभी हुआंग ने उसे रोकते हुए कहा कि उन्हें शांति से काम लेना चाहिए। इसी बहसबाजी के बीच ये लोग मिन को भूल गए और जब तक इन्हें याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक असली मौत देखकर ली को विश्वास हो गया कि ये कोई प्रैंक नहीं है।
फिर उसने कहा कि वह स्कूल के बाहर जा रहा है, शायद वहाँ से कोई फ़ोन मिल जाए। तभी चोई को याद आया कि रूल्स के हिसाब से वे बाहर नहीं जा सकते। ये सुनते ही स्टूडेंट्स ली को ये बात बताने के लिए भागे, लेकिन ली तक पहुंचने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रूल एकदम सच था, ली खून में लथपथ वहीं ढेर हो गया। बच्चों को फिर याद दिलाया गया कि वे बाहर नहीं जा सकते। इसी बीच बॉम्ब भी बिल्डिंग के अंदर घुस गया और पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। तभी मिस्टीरियस वॉइस ने इन्हें दूसरा टास्क दिया। इन्हें एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई और अब इन्हें ऑडिटोरियम में रखे कार्ड्स को मिला के उस ऑडियो में बोली गई पहेली का आंसर देना था। इनके आंसर देने से पहले ही वहाँ सॉन्ग की लाश आ गिरी। इसी बीच इन्हें ध्यान आया कि चा नाम की लड़की भी गायब है। ये सुनते ही एना स्टाफ रूम की तरफ भागी। वहाँ एना और पार्क ने स्टूडेंट रैंकिंग देखी और एना का शक सही निकला। जिन बच्चों ने टॉप किया है उन्हें ही कातिल अपना शिकार बना रहा है, वो भी रैंकिंग के हिसाब से। मिन और सॉन्ग फर्स्ट और सेकंड थे, चा थर्ड, यून फोर्थ और एना खुद फिफ्थ। इसी बीच अमीर बच्चों ने सोचा कि वे सेफ रहेंगे अगर वे अपने हॉस्टल में जाके छुप जाए तो। एना की दोस्त यून ने भी उनकी बात सुनी और उनके साथ हो ली। फिर ये हुआंग से टॉयलेट की परमिशन लेके यहाँ से निकल गए। तभी एना और पार्क वापस ऑडिटोरियम में आ गए। उन्होंने टीचर हुआंग को अपनी थ्योरी बताई और साथ में ये भी कि अगला नंबर यून का है, जो अभी अभी ग्रुप के साथ बाथरूम गई थी। अब ये लोग दो ग्रुप में बट गए, सर हुआंग का ग्रुप और मैडम चोई का ग्रुप। रात हो गई और चा का अभी भी कोई अता पता नहीं। फिर अमीर बच्चों को दिखाते हैं जो हॉस्टल में छुपे हुए थे। तभी उन्हें गेट से कुछ आवाज़ आई और जैसे ही लड़का चेक करने के लिए आगे बढ़ा उसे किसी ने बाहर खींच लिया। इधर हुआंग का ग्रुप एक क्लास में पहुंच गए जहां उन्हें एक पासवर्ड क्रैक करना था। दूसरी तरफ चोई के ग्रुप को लाइट ब्लिंक होते हुए दिखी तो वे लोग हॉलवे की तरफ भागे, लेकिन वहां का रास्ता बंद हो रखा था। सब लोग डरे हुए थे। इसी बीच हमें पता चलता है कि किलर ने गलती से सुजिन को किडनैप कर लिया, जबकि उसे किडनैप यून को करना था और यून तो जब से ही अपने कमरे में छुपी हुई थी। अब सबकी शक्ल ही एक जैसी है तो बेचारे किडनैपर की भी क्या गलती। इधर इन्होंने पासवर्ड क्रैक कर लिया, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर खुला इन्हें चा की लाश दिखी और वो अजीब सी औरत भी। फिर दोनों ग्रुप एक जगह पर आकर मिलते हैं। फिर ये सब खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में चले गए। वहाँ पर एना को लगा कि ये सब किम की वजह से हो रहा है। किम क्लास की नंबर वन स्टूडेंट थी, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट में उसे सिक्स्थ रैंकिंग मिली, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाला जाने लगा क्योंकि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। फिर कुछ दिन बाद ऑडिटोरियम में उसकी लाश मिली। एना को लग रहा था कि ये सब किम की आत्मा कर रही है। फिर इन्हें अगला टेस्ट मिला जो कि एक पजल थी। इसी बीच सुजिन को दिखाते हैं जिसकी डेड बॉडी वॉशिंग मशीन में पड़ी थी। इसके बाद उस अजीब औरत ने हुआंग पर हमला कर दिया और वो जोरा मारी उससे बचा। अजीब औरत लगातार चाकू चलाती रही, लेकिन हुआंग की किस्मत अच्छी थी, अगर उसका पेट निकला होता तो आज वो भी निकल लेता। फिर हुआंग बाकी लोगों के पास आ गया और फिर इन्हें कुछ आवाज़ आई। ये वॉशिंग मशीन की आवाज़ थी जहाँ उन्हें सुजिन की डेड बॉडी मिली। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि एना वहाँ नहीं है। दूसरी तरफ यून को दिखाते हैं जो कैफेटेरिया में बैठी हुई थी और उसके अलावा पता नहीं सब सोए हुए थे। वो ध्यान बटाने के लिए म्यूजिक सुनने लगी और तभी अजीब औरत उसे किडनैप करने के लिए आ गई। उसी वक्त हॉस्टल में एना को कुछ आवाज़ आई और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच गई जहां उसे उसके सपनों वाली भूत दिखती है, हालांकि वो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। फिर वे लोग यून को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाने लगे। तभी एना को देखते ही बॉम्ब ने उस पर अटैक कर दिया। पार्क ने बीच बचाव किया तो बॉम्ब ने उसे चाकू मार मार कर मार ही डाला। तभी टीचर हुआंग ने गुस्से में एक बड़ा पत्थर लिया और बॉम्ब को जान से मार डाला। अभी इन्हें अगला टेस्ट मिला जो कि अगेन एक मैथ का क्वेश्चन था, जिसे सॉल्व करने के बाद ये गेट खुलेगा। गेट के पीछे यून थी जो रस्सी से लटकी हुई थी और रस्सी में एक कैंडल लगाई गई है जिससे रस्सी बस टूटने वाली है। बाहर मैडम चोई ने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके कमरे में एंट्री की। उन्होंने यून को उतारने की कोशिश तो की, मगर अजीब सी दिखने वाली औरत को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। उसने फिर भी रस्सी को काट दिया जिससे मौके पर ही यून की मौत हो गई। गुस्से में हुआंग छत पर गया और अजीब महिला से कुश्ती करने के बाद फाइनली उसने किलर को मार डाला। अब जिन बच्चों की मौत हो गई थी उनके लिए स्कूल में मेमोरियल रखवाया गया। इधर एना छत पर थी जहां उसने आंसर शीट में एक फोटो देखी, किम और उसके माँ बाप की फोटो। किलर और कोई नहीं, किम के माँ बाप ही थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने एना को किडनैप कर लिया।
हाँ, सिक्योरिटी वाला ही किम का बाप है। किम के बाप ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि उसने सब जगह गैस फैला दी है, जिसके लिए उसे 10 किलो मूली लगी। खैर, फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें एक आदमी किम को मार रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी को आगे आने के लिए कहा। तभी हमें पता चलता है कि किम को और किसी ने नहीं बल्कि हुआंग ने मारा था। दरअसल हुआंग ने अमीर पेरेंट्स से पैसे लिए थे उनके बच्चों की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, जिसके चलते किम फर्स्ट से सिक्स्थ हो गई। और जब किम ने उसे धमकाया कि वो ये बात सबको बता देगी, तो हुआंग ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। और ये सब बॉम ने भी देख लिया था, लेकिन उसको बचाने के लिए उसने कुछ नहीं किया। तभी बॉम को आउट ऑफ गिल्ड हर जगह किम नजर आती थी। अब हुआंग पागल सा हो गया और चारों तरफ कुल्हाड़ी घुमाने लगा। तभी सिक्योरिटी वाले ने उसके पास आके उसी कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। यहाँ पे हम सिक्योरिटी गार्ड का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ 2 साल पहले पुराने सिक्योरिटी वाले को मारकर इसने उसकी जगह ले ली थी। मतलब बुढ़ा ये सब 2 साल से प्लान कर रहा है। इसी बीच चोई ने एना को बचा लिया। अब कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि एना की रैंकिंग नंबर 1 है, क्योंकि 1 से 4 तक को तो बुढ़े ने मार ही दिया। इसी मोमेंट पर एना का फेस बदलकर किम का फेस बन जाता है। शायद एना को शुरू से ही किम की आत्मा ने पजेस कर रखा था। तभी बॉम एना को देखकर उस पर अटैक करने लगता था। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। खैर, इस मूवी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर आप क्लास में 5th आ रहे हो तो 1st आने के लिए पहले 4 को। अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। BDJ पूछ रहे हैं, बड़े आदमी वाली बात पे डिस्टेंस क्यों मेंटेन करें? दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपका कोई दोस्त एक आध बार फ़ोन न उठाने पर ये बोलना शुरू कर दे कि तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देना। फिर आप में से कईयों ने इसके पीछे की साइकोलॉजी और एक्सप्लेनेशन मांगी, तो मैं शाउट आउट में इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, कई बार हम बिना सोचे कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन हमारी बोली हुई बात से पता चलता है कि हम सोचते कैसे हैं। इसे ध्यान से समझना। एक तो है मजाक में कही गई बात, वो तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कोई आपको सीरियसली ताना कस रहा है ये बात बोल के, वो भी अगेन एंड अगेन, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जब सामने वाला कह रहा है कि तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, वो भी सिर्फ एक आध बार किसी कारण से उसका फोन रिसीव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब वो असल में कह रहा है कि तुम बड़े आदमी हो गए हो इन कंपैरिजन टू मी, यानी कि तुम मेरे से बड़ा हो गया है जब भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। यानी कि एक्चुअल में वो खुद को तुमसे बड़ा समझता है, क्योंकि तुम उसका फोन ना उठाने पे बड़े आदमी हुए हो। तो मतलब पहले तुम उसकी नजर में छोटे आदमी थे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत डीप लेयर है, जो शायद बोलने वाले को भी खुद के बारे में नहीं पता होगी, लेकिन ये 100% सही नहीं है। कई बार हम दोस्तों को छेड़ने के लिए भी ऐसे बोल देते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई होप कि आपको इन शब्दों के पीछे की छुपी हुई साइकोलॉजी समझ आई होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।